जैसे स्वस्थ शरीर को खाने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार मशीनों और उपकरणों को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रीस की आवश्यकता होती है। ग्रीस भी एक प्रकार का लुब्रिकेंट है, जिसके उपयोग से यांत्रिक पार्ट्स को चलाने में परेशानी नहीं होती और टूट फूट भी कम होती है और साथ ही मशीन पार्ट्स की लाइफ बढ़ जाती है। मशीनों को लंबे समय तक सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रीस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए मशीनरी और गाड़ी जैसी इंडस्ट्रीज में इसकी मांग ज्यादा है। आप भी इस बिजनेस को शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल एंड ग्रीस इंडस्ट्री की यदि हम बात करें तो भारत की यह इंडस्ट्री विश्व की छठी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसीलिए ये कहना उचित होगा कि भविष्य में भी इस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है और आप खुद को भी इसका हिस्सा बना सकते हैं। तो आइए उद्यमी के माध्यम से इस बिजनेस से संबंधित सभी जानकारियों को प्राप्त करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल से। ग्रीस बनाने के लिए आपको कच्चे माल के तौर पर बेस ऑयल, लिथियम हाइड्रोक्साइड, स्टेरिक एसिड, एडिटिव्स और डाइकोटिल डाइफेनिलामाइन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि इन रॉ मटेरियल्स की मदद से किस तरह ग्रीस को बनाया जाता है, यानी इसके प्रोसेस की। ग्रीस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल, प्रोडक्ट और एप्लीकेशन के अनुसार तय किया जाता है। इन्वेंट्री से लिथियम हाइड्रोक्साइड को प्रोडक्शन एरिया में लाने के बाद एक निश्चित अनुपात में कुकिंग केटल में फीड किया जाता है। इसके बाद बेस ऑयल को कुकिंग केटल में पंप की सहायता से रिक्वायर्ड फ्लो रेट पर फीड किया जाएगा। फिर केटल को डिजायर्ड टेम्परेचर तक हीट किया जाता है और साथ में मास को एग्रीगेटर की सहायता से मिक्स किया जाएगा। इसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए इमल्सीफायर का प्रयोग किया जाता है, जिसे एग्रीगेटर की सहायता से यूनिफॉर्म स्पीड पर रोटेट करते हुए थिक विस्कोस फ्लूइड तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद स्लरी को सोप टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है। अगर सोप टेस्ट का रिजल्ट ठीक आता है तो इसे सीधा कुकिंग केटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अगर सोप टेस्टिंग रिजल्ट अपेक्षाकृत नहीं आता तो उसे रेक्टिफाई किया जाता है। इसके बाद कुकिंग केटल में डिजायर्ड कॉम्पोजिशन में एडिटिव्स और रिक्वायर्ड डाइंग कलर्स मिलाए जाते हैं, जिससे सेमी फिनिश ग्रीस तैयार हो जाता है। इसके बाद ग्रीस की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग रिजल्ट सही ना होने पर इसका फिर से रेक्टिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन अगर सेमी फिनिश ग्रीस का रिजल्ट ठीक आता है तो इसे होमोजेनाइजर मशीन से पास करते हुए पंप की सहायता से होल्डिंग टैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद फिनिश्ड ग्रीस को फिलिंग मशीन का उपयोग करते हुए बकेट में प्रोडक्ट वेट के अनुसार फिल कर दिया जाएगा। फिर कार्टन्स में पैकिंग कर दी जाती है और कुछ प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग आवश्यकता के अनुसार ड्रम्स में पैक की जाएगी। जिन मशीनों की मदद से ग्रीस को बनाया जाता है वो है बेस ऑयल हीटिंग वेसल, स्क्रैपर केटल, स्क्रू पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, फिलिंग मशीन, टैपिंग मशीन और बैच कोडिंग मशीन। इन सभी का इस्तेमाल ग्रीस को बनाने के लिए, पैक करके मार्केट में सप्लाई करने के लिए किया जाता है। इस व्यवसाय को 5000 से 5500 स्क्वायर फीट एरिया में शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, इस व्यवसाय के लिए मैन पावर रिक्वायरमेंट आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अनुसार बढ़ या घट सकती है। साथ ही पूरे प्लांट को रन करने के लिए आपको 35 किलोवाट से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता होगी। वहीं अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 45 से 50 लाख रुपए का निवेश करना होगा और इस व्यवसाय के माध्यम से आप 12 से 15% तक का लाभ आसानी से कमा सकते हैं। ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको कुछ लाइसेंसेस की भी आवश्यकता होगी, जैसे GST, वेट एंड मेजरमेंट, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस और NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख रुपए तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख रुपए तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है।
आज उद्यमी के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से आप ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं एक सफल उद्यमी, तो आज ही व्यवसाय को शुरू कीजिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। फिलहाल के लिए इस डॉक्यूमेंट्री में बस इतना ही। ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। बिजनेस रिलेटेड सभी सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526000444 पर भी कॉल कर सकते हैं।